सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 संस्कृत गद्य भारती का 12वां पाठ लोकमान्य तिलक। और ये इस चैप्टर का चौथा पाठ है। पिछला तीन पाठ अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। सो चलिए शुरू करते हैं चौथे पाठ को। अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्धम गीता रहस्यम नाम गीतायाः कर्मयोग प्रतिपादकम नवीनम भाष्यम प्रचितम। अत्रैव अर्थात यहीं पर, निर्वासन काले अर्थात निर्वासन के समय में, तेना अर्थात उन्होंने विश्व प्रसिद्ध गीता रहस्य नाम का, गीताया अर्थात गीता के कर्म योग का प्रतिपादन करने वाला नया भाष्य, नवीनम भाष्यम अर्थात नया भाष्य रचा। कर्मसु कौशलमेव कर्मयोग गीता तमेव कर्मयोगम प्रतिपादयति। कर्मसु कौशलम एव अर्थात कर्मों में कुशलता ही कर्मयोग है। गीता तमेव अर्थात गीता उसी, तम एव अर्थात उसी कर्मयोग का प्रतिपादयति अर्थात प्रतिपादन करती है। अतः सर्वे जनाः कर्मयोगिनः स्युः इति तेन उपदिष्टम्। इसलिए सभी लोगों को कर्मयोगिनः अर्थात कर्म योगी स्युः अर्थात होना चाहिए इति तेन उपदिष्टम्। ऐसा उन्होंने उपदिष्टम अर्थात उपदेश दिया। कारागारात विमुक्तो अयम देशवासी भी अभिनंदितः। कारागार से विमुक्तः अर्थात छूटे हुए, अयम अर्थात इनका देशवासी भी अर्थात देशवासियों ने अभिनंदितः अर्थात अभिनंदन किया। देशवासियों ने इनका अभिनंदन किया जब वो जेल से छूटे। तदनंतरम स होम रूल सत्याग्रह सम्मिलितवान। उसके बाद वे होम रूल सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। इत्थम पुनः स देश सेवायाम संलग्नो अभूत। इत्थम अर्थात इस प्रकार पुनः वे देश की सेवा में लग गए, संलग्न हो गए। गीता रहस्यम वेद काल निर्णय आर्याणाम मूल वासस्थानम इत्येतानि पुस्तकानि तस्याध्ययनस्य गांभीर्यं प्रतिपादयन्ति। गीता रहस्य वेद काल का निर्णय अर्थात वेदों का काल निर्णय, आर्याणाम मूल वासस्थानम अर्थात आर्यों का मूल निवास स्थान, इत्येतानि अर्थात ये पुस्तकें, तस्य अर्थात उनके अध्ययन की, अध्ययनस्य अर्थात अध्ययन की, गांभीर्यम अर्थात गंभीरता प्रतिपादयन्ति अर्थात प्रतिपादित करती है या बताती है। देशोद्धार काणाम अग्रणी स्वराष्ट्रायानि कान क्लेशान सहमानः लोकमान्यः सप्तसप्त्यधिक नवदशशततमे विक्रमाब्दे चतुष्पष्टि वर्षावस्थायामगस्तमासस्य प्रथमदिनाङ्के नश्वरं शरीरं परित्याज्य दिवमगच्छत। देशोद्धार अर्थात देश का उद्धार करने वालों में अग्रणी अर्थात आगे, सबसे आगे, देशोद्धारकाणाम अर्थात देश का उद्धार करने वालों में अग्रणी, स्वराष्ट्रायेन अनेकान अर्थात अपनी राष्ट्र के लिए अनेक क्लेशान सहमाना अर्थात कष्टों को सहते हुए लोकमान्य, सप्त सप्त्यत अधिका अर्थात 77 होता है, सप्त सप्त्यत अधिका तो 77 और नवदश शततमे अर्थात 1977 ईस्वी में विक्रमाब्दे अर्थात विक्रम संवत 1977 में चतुष्पष्टि वर्षावस्थायाम अर्थात 64 वर्ष की अवस्था में अगस्त मासस्य अर्थात अगस्त महीने की प्रथम दिनांक अर्थात 1 तारीख को नश्वर शरीरम परित्याज अर्थात नश्वर शरीर को त्याग कर छोड़कर दिवम अगच्छत अर्थात स्वर्ग सिधार गए। एवं कर्तव्यनिष्ठो निर्भयः तपस्वी कल्पो महापुरुषो लोकमान्य तिलको भारत देशस्य धरणाय यदक अकरोत् तत्तु वृत्तम स्वर्णाक्षरलिखितम भारत स्वातंत्र्य इतिहासे सदैव प्रकाशयिष्यते। इस प्रकार कर्तव्यनिष्ठ निडर तपस्वी कल्पो अर्थात तपस्वी के समान महापुरुष लोकमान्य तिलक ने भारत देशस्य उद्धरणाय अर्थात भारत देश के उद्धार के लिए यद अक्रोत
अर्थात जो किया, यद यानी कि जो किया, तत्तु अर्थात वह तो, वृत्तम अर्थात वृत्तांत अर्थात उसका तो वृत्तांत, स्वर्णाक्षर लिखितम अर्थात स्वर्णाक्षरों में, स्वर्ण में लिखे, स्वर्ण के अक्षरों में लिखे हुए भारत स्वातंत्र इतिहास अर्थात भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में सदैव प्रकाशयिष्यते अर्थात प्रकाशित रहेगा या चमकता रहेगा। प्रकाश अर्थात चमकना, प्रकाशित होना। केनापि कविना सूक्तम दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परेशान सुखवर्धनाय। केनापि कविनाम सूक्तम, सुउक्तम अर्थात किसी कवि ने ठीक ही कहा है, सुउक्तम अर्थात ठीक ही उक्त किया है अर्थात कहा है, कि दानाय लक्ष्मी ही अर्थात जिनकी लक्ष्मी दान के लिए, लक्ष्मी अर्थात धन, जिनका धन दान के लिए, सुकृताय विद्या जिनके विद्या, सुकृताय अर्थात शुभ कार्य के लिए, चिंता परेशान अर्थात चिंता परेशान अर्थात दूसरों का, सुख वर्धनाय अर्थात दुख बढ़ाने के लिए, पर अबोधाय वचांसी यस्य, वचांसी अर्थात वचन, पर अबोधाय अर्थात दूसरों के ज्ञान के लिए होते हैं, यस्य यानी कि चिनके, वंद्यस्त्रिलोकी तिलक स एव अर्थात वही, स एव अर्थात वही, त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का तिलक, वंद्य अर्थात वंदना के योग्य है, तो वंद्य प्लस त्रिलोकी, त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का तिलक, वही तीनों लोकों का तिलक वंदना के योग्य है। और इसी के साथ ही ये चैप्टर और ये पार्ट समाप्त होता है। अगर ये वीडियो, ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।